हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का सिर्फ यंग आर्टिस्ट चैनल के इस साल के पहले सॉन्ग लेसन में। आज हम सीखने वाले हैं एक लेटेस्ट मूवी का लेटेस्ट सॉन्ग संग बाय नन अदर देन अरिजीत सिंह जी। और इस गाने को बजाने के लिए आपको बहुत ही बेसिक कॉर्ड्स बजाने की ज़रूरत है, और मेरे को जहाँ तक लगता है जितना लंबा हम लोग का साथ रहा है तो आप ये कॉर्ड्स आराम से बजा लेंगे। बट फिर भी अगर आपकी कोई दुविधाएं हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि आपकी हेल्प के लिए और क्या किया जा सकता है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने फर्स्ट फ्रेट पर कैपो लगाया हुआ है, तो जो इस गाने के कॉर्ड्स हैं वो फर्स्ट फ्रेट पर कैपो लगा के आप लोग को प्ले करने हैं। गाने का ओरिजिनल स्केल सी शार्प मेजर है और हर बार की तरह आज भी हम लोग प्रॉपर बैकिंग ट्रैक के साथ इस गाने को प्ले करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और साथ में बजाने की कोशिश कीजिए। पहला कॉर्ड जो आपको इस गाने को प्ले करने के लिए चाहिए वो है सी मेजर कॉर्ड। दूसरा कॉर्ड जो हम इस गाने में यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ए माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस मतलब ओनली कॉर्ड जो इस पूरे सीक्वेंस में आपको थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, दैट इज द एफ मेजर कॉर्ड, जो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं या विद बार भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द जी कॉर्ड। तो जी कॉर्ड आप जी ओपन की तरह ही लगा लीजिए, अच्छा साउंड करेगा इस गाने में। बस दैट्स इट। तो इस गाने में टेक्निकली हमने एक, दो, तीन और चार, ये चार कॉर्ड्स हम लोग गाने में प्रॉपरली बैक टू बैक अलग अलग सीक्वेंसेस में यूज कर रहे हैं। बाकी अब अगर स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो इस गाने में जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज किया है वो दो तरीके का है। मैंने गाने में दो स्ट्रमिंग पैटर्न्स यूज किए हैं। तो पहला स्ट्रमिंग पैटर्न अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बोल के बताऊं तो दैट इज द मोस्ट कॉमन वन, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ठीक है, ये स्ट्रमिंग पैटर्न आप सब लोग जानते हैं ऑलरेडी। दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, जो यूजुअली हम लोग आई वुड से वन और टू सॉन्ग आउट ऑफ टेन यूज करते हैं। फोर अपन फोर टाइम सिग्नेचर में ही है, बट ये कुछ ऐसा साउंड करता है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक तो पंपिंग एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस गाने में। इस पर्टिकुलर स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ अगर आप पंपिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से साउंड करेगा। सिर्फ पैटर्न अगर मैं आपको समझाऊं तो सो आई एम डूइंग डाउन अप 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 डाउन अप। जो गाने का कोरस है उसमें टेक्निकली ये डाउन अप 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 बहुत अच्छे से मैच करता है। ये टिपिकल हमारा तबला रिदम जो होता है ना, तबले से बहुत अच्छी सिंक में जाती है ये वाली जो हमारी स्ट्रमिंग पैटर्न होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को अच्छे से बजा पाएं, पंपिंग भी कर पाएं, तो और अच्छा साउंड आप जनरेट कर पाएंगे, ना सिर्फ इस सॉन्ग के लिए बल्कि और भी कई आने वाले सॉन्ग्स के लिए। तो चलिए अब प्ले थ्रू के थ्रू देखते हैं कि ये गाना कैसे प्ले होने वाला है।
मैं आशा करता हूँ ये गाना आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। इस गाने से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर किसी चीज़ का जवाब हम लिखित में दे सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम अस। और अदरवाइज हम लोगों का हर वेंसडे एक लाइव क्लास होता है, उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप भी इंस्ट्रक्शन दिए जा सके, अगर आपने अभी अभी गिटार सीखना स्टार्ट किया है तो किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए प्रैक्टिस हार्ड।